बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का मूव। जी हां, जिला स्तरीय इकाइयों में बदलाव होगा, ये उनका नया मूव है। कुछ जिलों के बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष। संकेत जयपुर जिला संगठन में बदलाव के भी मिले हैं। जयपुर शहर और देहात इकाइयों में बदलाव भी इसके लिए संभव है और संकेत यहाँ भी है। ऐसे में करीब एक दर्जन से ज्यादा जिलों का नाम लिया जा रहा है, जिसमें सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, सीकर, चूरू, झुंझुनू, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का नाम भी चर्चाओं में है। तो ये नया मूव है, स्मार्ट मूव है, कितना कारगर साबित होता है ये समय बताएगा। लेकिन जिला स्तरीय इकाइयों में बदलाव का एक नया इनिशिएटिव किया गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, जो जिम्मेदारी मिलने के बाद इन दोनों राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर हैं, आज वो झुंझुनू पहुंचे थे। लेकिन अभी जो अपडेट है, जो जानकारी है, वो जिला स्तरीय इकाइयों में बदलाव की एक पहल की है। कुछ जिलों में बदले जाएंगे जिलाध्यक्ष, इस बात के संकेत। जयपुर जिला संगठन में भी बदलाव के संकेत मिले हैं, यानी कि वो जिले जिसमें बदलाव होगा उसमें जयपुर भी शामिल है। ज्यादा जानकारी और ज्यादा इस सब खबर को समझाने के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इन दिनों राजस्थान में है और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर वो हकीकत तो जमीनी संगठन की समझ ही रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट मूव भी अब, क्योंकि जिला स्तरीय इकाइयों में बदलाव की बात पहले से सामने आ रही थी लेकिन उन्होंने इसे संभवतः अब अप्रूव कर दिया है। क्या बदलाव रहेगा, किस तरह से इफेक्टिव रहेगा ये बदलाव योगेश? देखिए जयति, पूरी तरह संगठन को समझने के साथ ही अब संगठन में भावी बदलावों को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई। नए प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल जी अपने ढंग से चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि उनके कुछ बयान काफी चर्चाओं में रहे, कुछ बयानों से कुछ बड़े नेता अंदर अंदर आहत भी हुए हैं, मगर वो चाहते हैं कि संगठन को कुछ इस तरह से ढाला जाए कि मजबूती के साथ जिला इकाइयां काम करें। जहां बीते लोकसभा चुनाव में हार मिली थी उन जिलों को विशेष तौर पर जांचा जा रहा और वहां पर संगठन की गतिविधियों को जांचा जा रहा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ खुद भी यही काम कर रहे हैं। तो बड़े स्तर पर जब प्रदेश की नई टीम खड़ी होगी तो जिलों में भी बदलाव किए जाएंगे, ये अब अवश्यंभावी हो गया है जी। और खास तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जो जिले होते हैं वो राजधानी होती है, राजधानी का संगठन है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि जैसे ही प्रदेश नेतृत्व तो किसी भी कार्यक्रम का कॉल करे वैसे ही वो संगठन उस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हाल ही में एक तिरंगा यात्रा संपन्न हुई थी जयपुर में, मुख्यमंत्री भी थे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का वो पहला आयोजन था जिसमें उन्होंने जयपुर में शिरकत की थी। लेकिन जिस तरह से उस आयोजन को लेकर जो आउटपुट आया, जो फीडबैक मिला प्रदेश नेतृत्व को, वो उतना जोश भरा नहीं था। तो ऐसे में नए सिरे से संगठन के अंदर बदलाव को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। किस तरह के बदलाव होंगे, राधा मोहन दास अग्रवाल किस तरह से नई टीम को जांचने का काम करेंगे और उसको आगे लाने का काम करेंगे। जी, मंथन शुरू हो चुका है, हर जिले में जातीय क्षेत्रीय गणित को साधा जाएगा, साथ में ही एक बड़े स्तर पर निचली इकाइयों को खड़ा किया जाएगा। जो भावी चुनावों के खासतौर से नगर निकाय के चुनाव है, पंचायत राज चुनाव है, उनमें मजबूती के साथ वो काम करती हुई नजर आए। मुझे लगता है एक बड़े स्तर पर कवायद जो है बीजेपी में चल रही है और बीजेपी जो सतत संगठन प्रक्रिया से निरंतर गुजरती रहती है। यहाँ पर संगठन में कई अनुभवी नेता भी हैं जो जिलों की कमान संभालते रहे हैं पहले, और नए चेहरे भी हैं जो कमान संभाल सकते हैं। तो अनुभव और नवाचार का और खासतौर से सदस्य अध्ययन को गति देने का भी एक बड़ा पहलू है। इन तमाम कारणों के मद्देनजर हाल ही में हम जिला स्तर की कार्यशालाएं, संभाग मंडल स्तर की कार्यशालाएं भी होंगी। तो मुझे लगता है कि उसके मद्देनजर आने वाले समय में कुछ अहम बदलाव हमें देखने को मिलेंगे जी, जो प्रभारी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, और बदलाव कितने सार्थक होते हैं समय बताएगा। लेकिन योगेश जी, ये तो मानकर चले कि विधानसभा उपचुनावों से पहले जो कवायद है इन बदलावों की, वो शुरू हो जाएगी और जल्द ही शुरू होगी, इनफैक्ट अब तो उन्होंने कह दिया है। तो जैसी दोनों बातें, क्योंकि 6 विधानसभा के उपचुनाव, तो वहाँ पूरा असर जाता है वहाँ के संगठन पर। अभी फिलहाल कोई किसी तरह का चेंज करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन
जिन इलाकों में चुनाव नहीं है जी वहाँ पर संगठन की प्रक्रिया और जिन इलाकों में चेंज करना है वहाँ उन चुनावों के परिणामों के बाद चेंज की आवश्यकता कर दी जाएगी जी। लेकिन क्योंकि जब नए अध्यक्ष आते हैं तो जिला स्तर पर भी नई टीमों का गठन होता है हाँ। वो भी एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है तो प्रदेश की टीम हो चाहे जिला की टीम हो चाहे अग्रिम मोर्चों में परिवर्तन हो ये तमाम चीजें होंगी और मुझे लगता है कि अब जो भी कमान संभालेंगे वो अगले विधानसभा चुनाव तक उनकी जिम्मेदारी रहने वाली है। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।